बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान, आपकी दोस्त रिदा इमरान, और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी डॉक्टर अफशां। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाए, वहाँ नहीं देखना आपने, आपने मुझे देखना है। आज डॉक्टर अफशां ने बड़ी प्यारी बात की। अभी हम बैठे जब डिस्कस कर रहे थे, वो कह रही थी कि हम लोग जिंदा लोगों की कदर नहीं करते हैं। तो जब किसी की बहुत तारीफ हो तो हम सोचते हैं कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके जो प्यारे हैं, उनसे उनकी कदर करना, उनसे प्यार करना, मेरे ख्याल से खुलेबाद का पहला असूल है, पहला हक है कि आप लोगों को तारीफ करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें अपनाइयत से बताएं कि उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी। क्योंकि आपके बगैर प्रोग्राम नहीं होगा और मेरे बगैर तो वैसे नहीं होगा। और नहीं तो अगर मैंने दवाइयों के नाम बता दिए तो फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर के पास कौन जाएगा? ये बात तो है। आज क्लोजिंग लेकिन आपने करनी है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। अल्फा मौला है जी। अच्छा, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, हमें आप कॉल करते रहते हैं और डॉक्टर अफशां से भी आप बात करते रहते हैं। उनका नंबर है 0333-513-9482। आप उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो फीडबैक हमें मिला और डॉक्टर अफशां को मिला, उसमें आप लोगों ने एक सवाल इनसे पूछा कि बहुत से लोग हैं जो कि औलाद चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि नरीना औलाद चाहते हैं, यानी कि बेटे की उनकी ख्वाहिश होती है। तो वैसे तो अल्लाह की देन है, औलाद का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि मेल बेबी कोर्स करना चाहती हैं, यानी कि उनकी ऑलरेडी अल्लाह ताला ने उनको दो बेटियां दी हुई हैं या तीन बेटियां दी हुई हैं, तो अब वो चाहते हैं कि हम फोर्थ चांस लें तो हम बेटे का लें। तो फिर हम उन्हें मेडिकेशन या हेल्प कर सकते हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और मतलब साइंस के रूप से। हाँ। बाकी देखें, हम किसी इंसान का लक नसीब नहीं चेंज कर तो सकते, वो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये है कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई मेडिसिन ऐसी दे सकते हैं जिससे आपके स्पर्म्स है हेल्दी हो सकते हैं, जिससे आपका मेल के वाइसल्स एक्टिवेट हो सकते हैं ताकि आपको मेल बेबी हो जाए। जनाब, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम बात करेंगे औलाद की जेंडर सिलेक्शन के हवाले से। अगर आपको इसका कोई इशू है, कोई मालूमात आप चाहते हैं, तो डॉक्टर अफशां के पास इसका इलाज भी अल्लाह की तरफ से है, मौजूद है। बाकी अल्लाह के हाथ में, इनका काम आपको गाइड करना है और फिर दुआ करना है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे। डॉक्टर अफशां, कितना रेशू है इसमें सक्सेस का? इसमें ये है कि दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि जब हमारे पास कपल आते हैं वो ये प्रॉब्लम शेयर हमारे साथ करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी दो बेटियां या तीन बेटियां या चार बेटियां हैं, तो अब हमारी जो सबसे लास्ट बेटी है वो चार साल की, अब हमें कंसेप्शन हो नहीं रही होती, तो उसके लिए हमें फिर उन्हें अलहदा मेडिकेशंस वगैरह देनी पड़ती है या कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन फिर हमारे पास ऐसे कपल भी आते हैं जिनकी तीन चार बेटियां हैं, तो वो कहते हैं कंसेप्शन तो फ़ौरन हो जाती है लेकिन फीमेल बेबी होता है, तो फिर ये है कि उनको फिर हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, और बिफोर प्रेगनेंसी आना पड़ता है। अच्छा, ये हम उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, कपल जो मेरे पास आते हैं बिफोर प्रेगनेंसी आएँ, आप दोनों को फिर हम कुछ हार्मोन्स प्रोफाइल करवाते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि आपके कोर्स में सक्सेस रिजल्ट क्या है। और मेरे जो सक्सेस रिजल्ट है वो 98 से लेकर 99 तक है। लेकिन ये है कि 45 डेज़ की जो हम मेडिकेशंस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को देते हैं, उसमें जो टेस्ट बार बार होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलते हैं। अच्छा, ये जो जेंडर सिलेक्शन है ये किन लोगों को करवानी चाहिए? कोई खास स्पेसिफिक एज होती है शादी का, कोई खास अरसा होता है? नहीं, इसमें तो देखें ये कोई बीमारी तो है नहीं, ये तो बाय विश है। हाँ। कि भी हमारी विश है कि हमें अल्लाह ताला पहला औलाद बेटा दे या पहली औलाद बेटी दे, ठीक है, और बाय विश है कि भी हमारे पास ऑलरेडी अल्लाह ताला ने दो बेटे दे दिए, अब हमारे पास बेटी आ जाए, ठीक है, हाँ। तो या हमें ऑलरेडी अल्लाह ने एक बेटी या दो बेटियां दी हुई हैं, हम और बेबी प्लान नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं बस अल्लाह एक बेटा दे दे, तो अब ये बीमारी तो है नहीं। अब बाय विश जब आप आते हैं तो वही बात है कि आपके डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये आपको देते हैं।
तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। पेशेंट्स आते हैं ऐसे आपके पास? जी जी बिल्कुल, मेरे तो सक्सेस रिजल्ट भी 98 मैंने आपको बताया, 100 पर नाम रखा है वैसे आप? हाँ बहुत ज्यादा। वैसे मैं मेजोरिटी नाम अब्दुल्ला रखती हूँ, अब्दुल्ला अहमद अहमद रखती हूँ, अब्दुल्ला रखती हूँ, और अली। बेटियों की अगर बेटियों का मरियम बहुत ज्यादा रखती हूँ, जैनब बहुत ज्यादा रखना किसी का नाम आपने इंशाल्लाह ठीक हो गया। रिदा जूनियर, सीनियर तो मैं होंगी ना ठीक हो गया। अच्छा जनरल सिलेक्शन बड़े मेरे लिए नई चीज है, इसका प्रोसीजर क्या है और कितना टाइम लगता है उसमें? उसमें ये है कि बिफोर प्रेगनेंसी हस्बैंड एंड वाइफ जब मेरे पास आते हैं तो फिर हम 45 डेज की हम उन्हें मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, वो पूरा 6 वीक का कोर्स होता है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मेडिसिन खाते हैं। वो मेडिसिन खाने के बाद फिर हम उनको सिलेक्टिव डेज मीटिंग डेज देते हैं। वो मीटिंग डेज जब अवेल करते हैं तो कंसीव टू मेल बेबी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मेरे बताए हुए डेज अवेल करते हैं, और इसमें कोई गैर इस्लामी बात भी नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें सक्सेस देता है। बच्चों के हवाले से, औलाद के हवाले से, और खासतौर पर जेंडर सिलेक्शन के हवाले से आपने कॉल करनी है तो कॉल कीजिए 0518094521 0518094521, और डॉक्टर अफशान से डायरेक्टली बात करने के लिए 0333-5139482, मैं रिपीट कर रही हूँ 0333-5139482 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं औलाद के हवाले से, जेंडर सिलेक्शन के हवाले से, और ये वो टॉपिक है जो कि आपने हमें थ्रू फीडबैक बताया कि ये हमें डिस्कस करना चाहिए। नॉर्मली ऐसे बातें नहीं जाती, लेकिन और लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह आपका वही बात है कि अल्लाह की देन होती है, लेकिन जब एक टिश्यूज़ क्रॉस कर रहे होते हैं या वाइसल स्लो चल रहे होते हैं या एक्सेल्स बहुत एक्टिवेट चल रहे होते हैं, तो फिर हम मेडिकेटेड तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, जेंडर सिलेक्शन में बेटी के लिए प्रोसेस अलहदा है, बेटी के लिए अलहदा? हाँ जी बिल्कुल। बेटी के लिए क्या होगा? बेटी के लिए भी इसी तरह डेज होते हैं ये वो, लेकिन ये है कि उसमें मेडिकेशन चेंज होती हैं। बेटी के लिए बहुत कम आए हैं, बेटों की ख्वाहिश लोगों को बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास एक फैसलाबाद से पेशेंट आए थे, उनके अल्लाह ताला ने 4 बेटे दिए थे, वो बेटी के लिए आए, तो अभी वो बच्ची मेरे ख्याल में 12-13 साल की होगी माशाल्लाह से, तो आई एम वेरी शॉक्ड ना कि भाई फर्स्ट टाइम वो केस मेरे पास आया था। उसके बाद आते रहे, 21-22 साल हो गए मेरी प्रैक्टिस को, लेकिन ये है कि मेजोरिटी जो आते हैं हमारे पास वो मेल बेबी के लिए ही आते। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे खुद बेटी का शौक था, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैं था कि पहले बेटी हो जाए ताकि मैं उसको पोनिया बना सकूं, और जब उसके 2-3 ही बाल थे तो मैंने 2 क्लिप उसको लगा दिए थे बड़े होने का वेट नहीं किया था। अच्छा, इस कोर्स को करने से पहले ये वो सवाल हैं जो कि डॉक्टर अफशान ने मुझे गाइड किए थे ताकि हम एवरी सिंगल डिटेल आपको बता सकें। इस कोर्स को शुरू करने से पहले कौन से टेस्ट कराने जरूरी हैं? इसमें ये है कि जब हमारे पास कपल आता है तो देखिए, ये आप तो किसी बीमारी के साथ नहीं आए, बाय विश ही है, तो हार्मोन्स के हम टेस्ट करवाते हैं, हस्बैंड के भी एंड वाइफ के भी, दोनों के टेस्ट करवाने के बाद उन हार्मोन्स के मुताबिक हम गाइड करते हैं कि आपको, हमारा पहली बात तो ये कि हमारा कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी आप अगर ना करना हो तो क्या वजह होती है उसकी? ना करने की वजह ये होती है कि आपके बॉडी में वो सिस्टम ही, जैसे वाइसल्स बहुत स्लो होते हैं या नहीं होते हैं, तो फिर हम मेल्स को मना कर देते हैं कि अभी आप थर्ड या फोर्थ चांस ना लें, ठीक है, या फिर शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं मेल्स में, तो वो हम मना कर देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि मेडिसिन से उनकी हेल्प नहीं हो सकती। तो डे फर्स्ट ही अगर क्लियर कर दिया जाए तो इतना एक्सपेंसिव ये कोर्स होता है तो इसको नहीं करना चाहिए। कोई अंदाजा आप रेंज इसकी बता सकती हैं कि ये लाखों में है? अच्छा, लेकिन बेटे लेकिन सक्सेस रेट 98% है, क्योंकि 100% इसलिए नहीं मैं कह सकती कि शेर में आ जाती है बात, तो ये है। अच्छा, कोई खास परहेज होते हैं इस कोर्स को स्टार्ट करने के बाद? इस कि जब हम मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ को ये मना कर देते हैं कि भी आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, और आपने वो ऐसे चीज़ नहीं खानी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज हों,
और अनहेल्दी कैलोरीज हो, वो नहीं, जैसे चीज बहुत ज्यादा लोग खाते हैं या जैसे मीट है, बीफ जैसे, तो ये चीजें नहीं। जनाब हमें कॉल कीजिए इस ब्रेक के बाद 0518094521, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब वेलकम बैक टू जिंदगी, और जिंदगी जहाँ सेहत बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जिंदगी में, वहाँ अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने इस प्रोग्राम के वसीले से मुझे डॉक्टर अफशा जैसी दोस्त मिली, और हम यही बात कर रहे थे अभी कि कुछ रिश्ते होते हैं ना, कोई नाम नहीं होता, वो दोस्त होते हैं, वो सहेलियाँ होती हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो आपको उन लोगों से मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें कोई नाम दें, कोई 7-8 साल पुरानी दोस्ती हो, कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी में आते हैं जो कुछ घंटों में आपके दिल के बड़े करीब हो जाते हैं, मैं राइट? बिल्कुल, और ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो टाइम अच्छा गुजर जाए। हाँ, हाँ। और वो गुड मेमोरीज आप लेकर जाते हैं, और आप और बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, क्योंकि आजकल लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। हाँ, हाँ। उनको किसी से भी शेक हैंड कर रहे होते हैं तो उस शेक हैंड के पीछे उनकी अपनी विशेष होती बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल, कि आया ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा। हाँ, हाँ। क्या कर सकता है। हाँ, हमारे कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा। अब लोग ज्यादा ऐसे हो गए हैं ना, पहले इतने बेगर्ज बेलौस दोस्तियाँ होती थी, तभी तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। राइट, कि आप कहीं पे भी आपके पास कोई ऐसा खाना नहीं है, हल्का बाब नहीं है कि जहाँ बैठ के आप ओनली दुख सुख कर सके। सही बात है, जिस हुलिये में बैठे हो बस गपशप, सोफे पे पांव रखे, चाय पिए, बातें करें, कोई अचानक आपके घर आ जाता है या आप कहीं चले जाते हैं तो फॉर्मल से लोग हो जाते हैं। ये वो जिस तरह पहले थे के लोग रजाइयों में बैठे हैं, कमल में बैठे हैं, तो ऊपर से कोई नन भाभी कोई आ गई, चलो भी इधर ही आ जाओ बैठ जाओ, वो नहीं रहा कि आप बकायदा ड्राइंग रूम खुलेगा और ये वो इस तरह। बिल्कुल, तो बड़ी अपनाइयत खत्म हो गई है। हाँ, हाँ। एक खुशखबरी है कि चिलगोजे सस्ते हो गए, पता है आपको? अच्छा, कुछ सस्ते हो गए, जरा मोटिवेट करिए मेरे साथ। डॉक्टर अफशा से अगर डायरेक्टली आपने बात करनी हो तो 0333-513-9482 पे कॉल कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर है 0333-513-9482, और हमें कॉल करने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे 0518-809-4521। आज हम बात कर रहे हैं औलाद के हवाले से, जेंडर सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन अगर आपका कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, हमने बात की सक्सेस रेट की बात की है, तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस कोर्स के? उसमें यह है कि बहुत सारे कपल्स में साइड इफ़ेक्ट आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम बिफोर प्रेगनेंसी ही पहले जब आपके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं तो अगर कोई चीज़ होती है, कोई आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है या आपका प्रोलैक्टिन लेवल फीमेल्स का या मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई या लो होता है ब्लड में, तो हम ऑलरेडी उसको फॉलो अप करते हैं, उसको मेडिसिन वगैरह से ठीक करते हैं, फिर टेस्ट वगैरह रिपीट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम देख के उसको एडवाइस करते हैं। यानी साइड इफेक्ट होने के चांसेस -1% है, क्योंकि ऑलरेडी ही हम आपको नज़र रखी होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अफशा रावलपिंडी में सैटेलाइट टाउन में प्रैक्टिस करी है, अफशा होम्यो क्लिनिक है आपका? जी, अफशा मेडिकल क्लिनिक है, पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही है, नंबर मैंने आपको दे दिए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आपको इनसे मिलना बहुत ज़रूरी होगा, आप व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिजी होती हैं, क्लिनिक में भी लोगों को देख रही होती हैं, तो आप बेहतर है कि अपॉइंटमेंट लेके इनके पास जाएं, एक दफ़ा विजिट कर लें ताकि कोई टेस्ट कराने हैं, कोई सवाल पूछने हैं तो वो फेस टू फेस आपसे पूछ सकें। क्या फ़र्क लगता है आपको यहाँ बैठ के ट्रीट करने में और सामने बैठ के ट्रीट करने में? देखिए, फ़ोन पे जब आप के सामने पेशेंट होता है, फ़ोन पे बात कर रहा होता है, तो हमारे जहन में वो क्वेश्चन नहीं आते जो कि फिजिकली वो हमारे सामने होता है, तो वो खुद भी पेशेंट बता देता है कि हमारा फलां टाइम पे फलां ऑपरेट हुआ था या हमें फलां चीज़ से एलर्जी थी, ये वो, तो सम टाइम ये चीज़ें हम फ़ोन पे नहीं डिस्कस कर सकते। सही, सही। तो कुछ ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपकी फैमिली में शुगर तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर या हार्ट का इश्यूज, ये वो, तो वो ये सारी चीज़ें जब आप सामने बैठते हैं तो वो अच्छी हो जाती हैं। फिर सेकेंडली ये कि पेशेंट अपनी जो जब आपको कंडीशन बताता है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, उसको बेहतर गाइड कर सकते हो। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी जिंदगी में कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मरियम मानसरा से बात कर। अच्छा, और सवाल क्या होगा आपका? वेलकम टू जिंदगी। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही।
आप बोलें, आप सवाल करें ताकि डॉक्टर अफशा आपको जवाब दे सकें। मैं कह रही हूँ 5 साल हो गए मेरी शादी से, औलाद नहीं है और साल में की समस्या है, 5-5, 6-6 महीने नहीं होते ना। 5 साल हो गए शादी को और उनकी औलाद नहीं है। और दूसरा क्या बोला था आपने? लेकिन जो सवाल समझ आया इसके मुताबिक 5 साल से औलाद नहीं है इनके। अच्छा गुड़िया, हमारे ना स्क्रीन पे ये नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर। डेफिनेटली आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं तो डेफिनेटली आपने कोई टेस्ट भी करवाए होंगे, हस्बैंड ने भी करवाए होंगे और मिसेज ने भी करवाए होंगे। तो आप वो टेस्ट अगर मुझे इस व्हाट्सएप पे कर दें तो वॉइस मैसेज भी अपना छोड़ दें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, या डॉक्टर्स ने जो ऑलरेडी आपने कोई टेस्ट करवाए हैं तो उसमें भी बता दें कि भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो आप कॉल कर रहे हो ना उसमें आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही थी अभी, तो मैं मतलब। और दूसरी बात ये कि आप बता रहे हो कि 5 साल हो गए तो हाउ पॉसिबल कि भी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा ना, आप दोनों मियां बीवी में या किसी में, तो वो फिर मैं 0333-513-9482 0333-513-9482 पे आप व्हाट्सएप कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें आप व्हाट्सएप करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर अफशा, कितनी गैप के बाद औलाद का होना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है? शादी के फौरन बाद भी लोग कंसीव कर लेते हैं, लेकिन ये है कि शादी के 1.5 से 2 साल तक तो आपको नेचुरली वेट करना चाहिए, लेकिन अगर 1.5 साल 1 साल गुजर गया है तो मेडिकली चेकअप करवा लेना चाहिए दोनों मियाँ बीवी को कि भी आया कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ठीक और हेल्दी कपल हों। तो अगर आप ठीक एंड हेल्दी कपल हैं तो फिर आप वेटिंग में चले जाएं, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कोई टेस्ट करवाते हैं तो उन टेस्ट के जो भी प्रॉब्लम कोई आ जाती है सामने तो फिर उसका इलाज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस्लामाबाद से हम एक और कॉलर ने ज्वाइन किया, लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने ऊँचा बोलना है, कौन बात कर रही है? शाजिया बात कर रही हूं इस्लामाबाद से। जी शाजिया, खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अभी देखा है कि आपका ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। थैंक यू। तो डॉक्टर अफशा का मैंने बहुत नाम सुना, ये ऐड भी आता है इनका नेटवर्क से। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं, ठीक है। शुरू में तकरीबन मेरे 2 दफा मुझे मैम प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन वो 1 मंथ से ज्यादा नहीं चल सकी, ठीक है। उसके बाद मुझे मतलब कंसीव ही नहीं हुआ, तो मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, कुछ टेस्ट थे। आवाज टूट रही है इनकी, आवाज टूट रही है आज हमारा, मतलब मेरे ख्याल में कोई सिग्नल नेटवर्क का मसला है। 7 साल शादी को हो गए, टेस्ट करा चुकी है, औलाद नहीं है। अच्छा गुड़िया, ऐसा है कि आप मेरे पास विजिट कर लें एक चीज़, सेकंडली ये कि व्हाट्सएप पे आप अपने टेस्ट वगैरह मुझे दिखा दें, सेकंडली ये कि मैं उन लोगों को थोड़ा गाइड कर देती हूँ कि जिनकी कंसेप्शन हो जाती है, कंसीव वो फीमेल्स कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही 1 महीना या 2 महीने गुजरते हैं तो उनका अबॉर्शन हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। मेजोरिटी ऐसे कपल्स में होता है ये कि जो कज़न्स मैरिज चल रहे होते हैं, समटाइम हमारे ब्लड टिश्यूज़ हस्बैंड के साथ क्रॉस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेबी जो है आगे ग्रोथ नहीं करता। ग्रोथ नहीं, प्री मेच्योर बेबी होता है ना, तो उसमें ये होता है कि, और अक्सर औकात ये होता है कि आपकी कज़न मैरिड भी नहीं है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फीमेल में एक वायरस होता है रुबैला पॉजिटिव आ जाता है जब आप कंसीव करते हो, तो वो हमारे बेबी को हेल्दी नहीं होने देता, ग्रोथ नहीं करने देता। तो उसमें यह है कि हम अक्सर उन खवातीन को जिनका रुबैला पॉजिटिव आ जाता है, तो बिफोर प्रेगनेंसी अगर हम उन्हें मेडिसिन देते हैं, या आफ्टर प्रेगनेंसी ये रुबैला पॉजिटिव जब आ जाता है तो मेडिसिन का पूरा 6 से 8 हफ्तों का एक प्रॉपर कोर्स होता है, और वो कोर्स करने के बाद जो है हमारा बेबी सेफ एंड हेल्दी रहता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी आ जाए पैदाइश से पहले बच्चे में, तो क्या वो कंट्रोल की जा सकती है? कोई फिजिकल डिसेबिलिटी वालों हो जाती है ना? देखें, अल्लाह की जात भी एक है, कबल अज वक्त ये कहना कि बच्चे के दिमाग में पानी है
या साइंस तो बड़ी तरक्की कर ली है, पता चल जाता है ये वो, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ने भी तो हमारे लिए अच्छा डिसाइड किया होता है या जो भी अल्लाह बेहतर जान रहा होता है। लेकिन मैं इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको ये बताना चाहूँगी कि अक्सर कपल्स मेरे पास आते हैं या अक्सर फीमेल्स आती हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बेबी डिसेबल अगर फिजिकली थे, यानी पता चल गया और डॉक्टर ने अबॉर्शन कर दिया या उन्होंने खुद करवा लिया, तो इट्स नॉट गुड वे ना। लीगल तो नहीं है अबॉर्शन ये, हाँ तो लीगल नहीं है, लीगल भी नहीं है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जाना खासा जान का खतरा हो तो फिर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तीसरा ये कि खुद से अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो फिर आप उस चीज को वो आगे माँ की जान बचाना, माँ की जान बचाना। लेकिन ये है कि कबल अज वक्त आपने ये कह देना या ये सोच लेना या किसी डॉक्टर के उस पर चले जाना कि भी हम हमारा बीबी माजूर है तो हमने पैदा ही नहीं करना, ये बहुत मतलब मैं इससे एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए और उन माँ बाप को सलाम को पेश करना चाहिए। सब अहम होते हैं लेकिन जो ऐसे स्पेशल बच्चों को पैदा कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। एक और कॉलर जी हमारे साथ जिंदगी में ज्वाइन करें, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, स्वात का रहने वाला हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मेरे तकरीबन 26 साल हो गया, औलाद नहीं हुआ, काफी सारे इलाज करवाए। अच्छा जी। अब तो अभी तक कोई बच्चा मच्चा नहीं हुआ। ये डॉक्टर का मैं ये देख रहा था टीवी पे, हाँ जी। तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने लिया था, ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए इस पे मैं रब्ता कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। मैं आपको डॉक्टर अफशा का नंबर स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है बता भी रही हूँ, आप लिख लें, मैं ऐसा ऐसा बोलती हूँ। 0333। ये तो मैंने नोट किया जो लास्ट है 482 नंबर है ना। अच्छा, आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें इस नंबर पे, मैं आपको खुद कांटेक्ट करती हूँ। अच्छा, ये इसी नंबर पे, यही नंबर में आप आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फजली अकबर है। अच्छा, आप अपने नाम के साथ ना एक वॉइस नोट छोड़ दें, मैं आपको खुद रابطہ करती हूँ आफ्टर प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आपको नंबर बता रही हूँ ताकि आप इनसे रابطہ कर सकें। रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में इनका सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, जहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं हफ्ते में छः दिन प्रैक्टिस करती हैं। और नंबर इनका 0333-513-9482। यहाँ कॉल करने के लिए, स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0518094521। 8094521। हम बात करते इससे पहले बच्चों की डिसेबिलिटी के हवाले से, उस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं बेऔलाद जोड़ों, खास तौर पे ऐसे जोड़ों के लिए, कपल्स के लिए जो कि बेटे की ख्वाहिश रखते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। अच्छा, क्या सोशल आपको लगता है प्रेशर होता है माओं के ऊपर ज़्यादा जिनको बेटे की ख्वाहिश होती है घर वालों की तरफ से? घर वालों की तरफ से भी ज़्यादा प्रेशर होता है, और मैंने जो मेजोरिटी नोट किया है ना, औरतों में बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा होती है और स्पेशली बहनों में कि भी हमारा भाई होना चाहिए। हाँ। बहुत ज़रूरी भी है भाई, अल्लाह ने ज़िंदगी सेहत दे भाइयों की, बहनें बड़ी मगरूर भी होती हैं। हाँ। और बड़ी सिक्योर भी फील करती हैं, कदर करने वाले भाई हों और कदर करने वाले भाई हों। तो ये है कि लेकिन ये मतलब बच्चियों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और हाँ। वो हम माएँ ही चेंज कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि आप खुद भी मर्द ही हैं। हाँ। मतलब हौसला और तसल्ली और हाँ। मोटिवेशन बच्चियों हाँ। को होनी चाहिए। तो एक कॉल और ले लें इसी बात पॉजिटिव मोड के पर, हमें देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर रहा है जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा नदीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आयशा कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़ा प्यारा आपने सलाम का जवाब दिया है, लव यू फॉर दैट। हाँ, सवाल कीजिए। भाई हैं, उनकी शादी को ना 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो उनके ना पहले फर्स्ट ईयर में एक बेबी पैदा हुआ था। ओके। जो कि वो सर में उनके कोई प्रॉब्लम था उस बेबी के ना, तो जिसका ऑपरेशन वगैरह भी करवाया, लेकिन वो आफ्टर 3 मंथ ना उसकी डेथ हो गई थी। ओके। उसके बाद मेरी भाभी ने तकरीबन 2-2.5 साल के बाद कंसीव किया, तो उनके ना वो जो कंसीव किया तो 7 ब्लड मुसलसल जारी था ना, ब्लीडिंग हो रही थी, यानी कि 7 और 7 पॉजिटिव भी आ रहा था ना। तो फिर वो अबॉर्शन करवा दिया 2-2.5 मंथ के बाद, तो उसके बाद से आज तक ना उन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया। बहुत टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल है।
कजन मैरिज है आपके? आउट ऑफ फैमिली है। आउट ऑफ फैमिली है, अच्छा। उसमें जो टेस्ट आपने करवाए हैं वो टेस्ट अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और वॉइस नोट छोड़ दें कि आपका मेरे से बात हुई इस पे टीवी के उस K2 के ऊपर अभी जब आपकी कॉल मिली, ये वॉइस नोट में छोड़ दीजिएगा बात, तो फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब भी दे दूंगी। अगर मैंने आपके भाई और भाभी को बुलाना हुआ अपने हॉस्पिटल में तो मैं बुलवा भी लूंगी, और जो आपकी प्रोफाइल पूरी जो फाइल है पुरानी वो सारी लेकर आएँ। वही मैं एक अभी बात कर रही थी कि समटाइम हम जब कंसीव करते हैं तो समटाइम हमारा वो रूबेला पॉजिटिव हो जाता है, जो कि मेजोरिटी लोग टेस्ट नहीं कर पता नहीं होता, तो वो फिर हम लोग ना उनको टेस्ट करवा लेते हैं ये वो। अच्छा, तो इंशाल्लाह क्या ऐसा होता है कि खुदा ना खासा एक दफ़ा मिसकैरेज हो जाए तो दोबारा कंसीव करना मुश्किल हो जाता है कि हो सकता है? कुछ केसेस में हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो ज़्यादा देखने में ये आया है कि कंसीव तो फौरन औरत कर लेती है लेकिन ये है कि अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन अबॉर्शन होने की भी मुख्तलिफ काजेज हैं, रीजनस हैं कि भी आप वीक हो ऑलरेडी, डॉक्टर ने आपको 6 या 8 या 10 महीने का रेस्ट दिया हुआ है कि आप ना करें, तो वो औरतें वो एक अबॉर्शन हो गया 2-3 महीने बाद फिर कंसीव कर लेती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो जनाब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी, मैं हूँ हृदय इमरान, स्टे विद अस। जी जनाब वेलकम बैक टू जिंदगी। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आप लोगों को बोला कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको बताएं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने अब्बू को बर्थडे विश करना भूल गई। आज मेरे अब्बू का हैप्पी बर्थडे है और घर में सब लोग, मुझे तस्वीरें आ रही डॉक्टर अफशा, केक खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, और बर्थडे सेलिब्रेटरी मेरे बगैर, फिर भी अब्बू विशिंग यू अ ब्यूटिफुल बर्थडे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारे सरों पे आपका साया रहे, इस तरह से हमें मोटिवेट करते रहें। और कितना ज़रूरी होता है ना ये सब फैमिली गैदरिंग का होना। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इंसान एनर्जेटिक हो जाता है ना, रिन्यू जैसे नहीं हो जाती कोई चीज़। आप सेलिब्रेट करती हैं अपनी बर्थडे? हाँ जी, मैं भी करती हूँ, और मेरे हस्बैंड की बल्कि कल थी और हमने बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की, बल्कि उनके सारे दोस्त आ गए बचपन के और ये वो, और फिर दौड़ दौड़ के। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? चौधरी शाहिद साहब। चौधरी शाहिद भाई, चौधरी भाई आपको बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और छोटे छोटे मौकों को सेलिब्रेट करना चाहिए, मेमोरीज बनती हैं और गुड हेल्दी मेमोरीज बनती हैं। गुड हेल्दी मेमोरी जनाब। एक और कॉलर है, कॉलर हमारे साथ है हमारी मेमोरी में शामिल होने के लिए, लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब कैसी हैं, हाल चाल तो पूछे, खैरियत से हैं, ठीक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा चले जी, आपकी तरफ सवाल। जी जी डॉक्टर अफशा, मेरी शादी को 7 साल हो गए और मेरे हस्बैंड के और मेरे तमाम टेस्ट हो चुके हैं, मेरे पास बेबी नहीं है, मैंने कभी कंसीव भी नहीं किया। मेरे जो तमाम टेस्ट जो है ना वो नॉर्मल आते हैं, मेरी टेस्ट वो ट्यूब्स जो टेस्ट करते हैं वो भी डॉक्टर ने चेक की थी, उन्होंने कहा था वो भी आपकी क्लियर है, और जो एग वगैरह वो भी उन्होंने कहा था फॉलिकल आपके बिल्कुल सही बनते हैं, एगोविलेशन भी अच्छा होता है, तो मुझे फर्दर क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि आप एगोविलेशन भी कह रही हैं अच्छा होता है, हस्बैंड के भी टेस्ट ठीक आते हैं, और हार्मोनल वगैरह टेस्ट जो करवाए हैं वो भी ठीक हैं आपके? जी जी हार्मोन टेस्ट भी ठीक है। अच्छा, मेरे रेगुलर है। तो डॉक्टर आपको कोई इशू नहीं बताते, यानी कि एगोविलेशन भी आपका हेल्दी है? जी उन्होंने कहा है कि आपकी अनएक्सप्लेन्ड है। क्या है, क्या है, फिर से बोलिएगा। अनएक्सप्लेन्ड उन्होंने कहा है, अनएक्सप्लेन्ड मतलब वजह पता नहीं चली, कोई वजह नहीं, मतलब अल्लाह की तरफ से कोई देर है, मतलब डॉक्टर मेडिकली एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे कि आप में कोई नुक्स है या कुछ है। चलें आप वो टेस्ट वगैरह मुझे दिखाएं ना ज़रा, आप मुझे व्हाट्सएप करें तो लाहौर, क्या पता कल, कल मैं बल्कि लाहौर में पीसी में हूँ, कल मेरे पेशेंट, मैं काफ़ी पेशेंट देखूँगी, लेकिन 12 बजे तक, तो सुबह 12 बजे तक। हाँ, कब से कब तक? सुबह 9 से लेकर शाम 12-1-2 बज जाएंगे मुझे। सुबह 9 से 1 बजे तक डॉक्टर अफशा पीसी लाहौर में कल होंगी। हाँ, तो आप उनका नंबर स्क्रीन से देख लीजिए, इनसे रब्ता कर लें, वरना अदरवाइज आपको पिंडी आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
मोस्ट वेलकम जी. बल्कि तो हमें पहले ही बताना चाहिए था कि जितने हाँ भी लाहौर में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं डॉक्टर अफशा से मिलना चाहते हैं हाँ तो कल वो पीसी लाहौर में होंगी. क्योंकि ऑलरेडी मेरी ना रजिस्ट्रेशन हो गई है ना काफी. अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम हम एक हफ्ता पहले बता दिया करें. हाँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी. लेकिन इन्होंने कहा कि मैं लाहौर में हूँ और ये वो, तो फिर मैं जितने लोगों का भला हो जाए भला हो जाए. डेफिनेटली मैंने तो ट्रैवल करने इसके अलावा भी आपको कराची वगैरह जाने का जी. कराची और क्वेटा में मैं जाती हूँ. क्वेटा में मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट देखती हूँ और क्वेटा में मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट भी हैं. अच्छा. और अल्लाह ताला शफा भी देने वाला है. और मेरे इस वक्त जो क्वेटा में एवरेज है 82-85% है. वहाँ पे है. हाँ वहाँ पे है. अच्छा. क्योंकि पेशेंट जो है मेरे वो ठीक होते हैं. और वो क्वेटा में एक चीज़ है कि चेन टू चेन पेशेंट है. हाँ. जैसे आप ठीक हुए आपने किसी दूसरे को बताया. हाँ. इस्ता वो सबसे बेस्ट होता है कि कोई आपको रेफर कर दे तो. अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम हमने एक हफ्ता पहले बता देना है इंशाल्लाह. तो वो तमाम लोग जो लाहौर में रहते हैं वो कल डॉक्टर अफशा से मिल सकते हैं. कॉल कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं. 0333-513-9482 आपका पिंडी का चक्कर बच जाएगा. वो फिर आगे आप खुद ही गाइड कर देंगे. हाँ, अगर लगा तो लगना भी पड़ेगा. लगना पड़ेगा. फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी है. आप फर्स्ट टाइम से कहते हैं पहली मुलाकात आप इनसे कर सकते हैं. हम बात करें आज औलाद के हवाले से, खासतौर पर जेंडर सिलेक्शन के हवाले से कि वो क्या कितना ज़रूरी है और किस किस स्टेज पे हो सकती है. इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. एक तो डिटेल में ज़रा सा आप बता दें कि क्या प्रोसेस है. कोई नुकसान तो नहीं. अच्छा, मेरे पास जो जेंडर च्वाइस के हवाले से कपल्स रुजू करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या जिनकी तीन बेटियां या चार बेटियां या जिनके दो बेटे हैं वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि उनका बेटा हो बेटी हो जाए, या कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनका बेटा हो जाए, तो वो पहले एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रेगनेंसी से पहले आए, आफ्टर प्रेगनेंसी ना आए. ठीक है, अगर आफ्टर प्रेगनेंसी भी आना चाहें तो वो 6 हफ्ते से पहले पहले आए. ठीक. अच्छा. हो गया. सेकेंडली ये कि जब वो मेरे पास आएँ तो फिर जब वो आते हैं तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उनके हार्मोनल प्रोफाइल करवाती हूँ. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं. उन टेस्ट करवाने के बाद अगर वो टेस्ट बिल्कुल ठीक आते हैं तो पहली बात तो ये कि अगर टेस्ट ठीक आते हैं तो फिर तो हम कोर्स देते हैं. अगर टेस्ट ठीक नहीं आते तो मैं डे फास्ट ही अपने पेशेंट्स को मना कर देती हूँ कि आपके लिए ये कोर्स सूटेबल नहीं है या आप ना करें. मैं काट रही हूं, कंटिन्यू करेंगे. रहीम यार खान से कॉल है, जरा हमें ज्वाइन करें. रहीम यार खान से अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा नवीद भाई, क्या सवाल है आपका? शादी को 7 साल हो गए हैं. ठीक है, लेकिन अभी तक कोई नहीं है. अच्छा, फिर से 7 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है. अच्छा नवीद भाई, नवीद ऐसा है, नवीद, आप अपने टेस्ट वगैरह मुझे व्हाट्सएप करें ना. देखें आपका जो भी इशू है या प्रॉब्लम नहीं भी है, जो चीज़ सामने टेस्ट में आएगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं नवीद को ये मशवरा दूंगी कि भी आप ये कर लो, या कुछ जो भी आपके लिए बेहतर है वो मैं एडवाइस कर दूंगी. टेस्ट कराना जनाब बहुत ज़रूरी है. बहुत सी ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स होती है जो हमें पता नहीं चलती हैं. डॉक्टर अफशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम प्लान्ड प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं कि पूरा उसको प्लान करके फिर हाँ जी आप कंसीव प्रोसेस जो है वो शुरू होता है. फिर जब हमारे पास कपल आते हैं उनके टेस्ट करवा देते हैं, उनको मना करते हैं अगर नहीं करना तो. दूसरी बात ये कि अगर करना है तो फिर प्रॉपर हम उनको 45 डेज का कोर्स देते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मेडिसिन खानी होती है. वो मेडिसिन खाने के दौरान उन्होंने मिलना नहीं होता. ठीक है, जब वो 45 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, यानी मीन टू से कि भी 6 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर हम उनको मीटिंग डेज सेलेक्टिव डेज देते हैं. अच्छा. वो जब कंसीव करते हैं उन स्पेशल डेज में तो कंसीव टू मेल बेबी, और अल्लाह ताला सक्सेस रेट जो है 98% है. और अल्लाह ताला ने आज तक तो मुझे मायूस नहीं किया. बाकी आगे का मुझे पता नहीं है कि कल क्या हो जाए. बाकी आप सबकी दुआएं हैं. अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं. ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दुआ हो जो जायज दुआ है और आपका हक है वो पूरा ना हो. पूरा ऐसा हो नहीं सकता. बाकी मैं अपने पेशेंट्स को या जो भी हल्का अहबाब है, ये जो मैं आपकी लक आपका नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन ये है कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्प कर सकती हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ये मेडिसन या ये टाइप ऑफ वे यूज़ करना चाहिए, ये डाइट प्लान्स यूज़ करने चाहिए,
तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती फ़ायदा देती हैं। डाइट कितना इम्पोर्टेंट होती है कंसीव करने में? डाइट में मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि मेल्स के लिए जैसे मैं पपीता एडवाइज़ करती हूँ, अंजीर एडवाइज़ करती हूँ, खजूर एडवाइज़ करती हूँ मेल्स के लिए जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। सेकेंडली ये कि मेडिसिन बहुत हेल्प करती हैं। थर्ड ये कि मुर्गन गजाएं मैं बंद करती हूँ स्पेशली मेल्स की। और दूसरा ये हाँ। कि मेल्स में नशा का वो जो एक एलिमेंट है जैसे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मेल्स करते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ वो है उनका, तो वो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि आप ना करें। हाँ बिल्कुल, वैसे भी हाँ, वैसे भी वैसे भी आपके लिए अच्छा, अच्छा नहीं है। अक्सर जो हमारे जो मेल हजरात हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बहुत सी चीज़ों को क्लियरली बताते भी नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, वो कैसे कॉन्फिडेंस आप उनका रिगेन करवाते हैं? वो तो टेस्ट जब हम करवाते हैं तो वन टू ऑल सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, और फिर डॉक्टर और वकील से तो कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो या ऊपर या नीचे पहुँच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन एक बहुत जरूरी है कि एक डॉक्टर का और एक पेशेंट का बड़ा अच्छा एतबार का रिश्ता, एतमाद का रिश्ता, एतमाद का रिश्ता है। और मेरे बहुत पेशेंट खुश होते हैं इस बात के कि आप बड़ा क्रिस्टल क्लियर बात कर देती हैं कि भी ये पॉसिबिलिटी है आपकी चीज की और ये नहीं है। आपके अंदर नहीं अगर रखी तो कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप किसी का बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, देखो अपने बच्चे तो सब पालते हैं, किसी का बच्चे के सर पे हाथ रखना, यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना बड़ी बात होती है। और मैं बड़े सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अडॉप्ट करते हैं और बड़ी हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों से नेक काम करवाना चाहता है तो उनके अंदर कोई ना कोई कमी रखता है। ब्यूटीफुल, हाँ हो सकता है वो कमी भी पूरी भी कर देता है और वो फिर नेक काम करवाता है ना। देखिए अपने बच्चे तो मेजॉरिटी लोगों के पास अपने बच्चे हैं ना, किसी के बच्चे को कोई 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 पालता है कोई, और अल्लाह किसी से ये नेकी करवाता है ना, तो वो जो अल्लाह से बहुत करीब होता है वही अल्लाह का नेक बंदा होता है और वही काम का। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा कोई दीनी प्रोग्राम नहीं है लेकिन ये हमारी अखलाकियात की बातें हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अल्लाह ताला को उसके बंदों के जरिए पहचाना। हाँ उनके इतनी मेरी औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि डायरेक्टली वहाँ तक जा सकूँ, बट मैंने अल्लाह के बंदों के जरिए उसको पहचानने की कोशिश की। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग, और ये बड़ी बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली है। प्लस एक माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। लास्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे भाई, खैरियत से हैं? क्या सवाल करेंगे? मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ का टेस्ट जो नॉर्मल वगैरह है मेरे नॉर्मल है, तो हम पूछेंगे को मेडिसिन वगैरह पूछना चाहते हैं। आप ऐसा करें पहले तो कल का टाइम ले लें, लाहौर से ही हैं आप तो मुझे मिल लें। एक चीज़ आप इन नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा लें और फिर मैं कल ही आपको देख लेती हूँ। देख लें आप सोचेंगे कि मैं पिंडी कब आऊँ ये वो, तो देख लें मैं आ रही हूँ लाहौर। कौन सी जगह पे? मैं पीसी लाहौर में, ये कैंट के अंदर ही है। जी जी सदर कैंट में। पीसी तो एक ही है लाहौर में। हाँ जी एक ही है। आप नंबर स्क्रीन पर देख लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये हमारे जी लास्ट कॉलर थे और आज हमने बात की जो है वो बच्चों के हवाले से बात की है, मेल बेबी और मेल बेबीज के हवाले स्पेशली। कोशिश हम लोग साथ साथ ये करते हैं कि आपको मोटिवेट जो है वो करते रहें, आपको हौसला बढ़ाते रहें, कहीं किसी भी तरह से कोई नेगेटिव सोच जहन में आए। डॉक्टर अफशा क्या कहने चाहेंगी इसी हवाले से आप, इससे पहले कि वाइंड अप करें? नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें अगर कहीं पे कोई क्लैश होता है ये वो, तो उसमें भी पॉजिटिविटीज होती हैं अगर ढूंढी जाए तो ठीक है। बाकी जब अल्लाह मियाँ दुख देता है या अल्लाह मियाँ आपको कोई परेशानी देता है, तो जब अल्लाह आपको याद करना चाह रहा होता है या अपनी याद करवाना चाह रहा होता है या आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा होता है, तो अल्लाह ताला आपको परेशान करता है थोड़ा सा कि मैं अपने सोने बंदे की आवाज़ सुन लूँ। तो फिर जब हम रोते हुए अपने अल्लाह को याद करते हैं ना, तो फिर अल्लाह को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो अपनी मामा जब वो गले लगाती है ये वो, तो आप सोचिए कि जब अल्लाह मियाँ गले लगाता है तो कितना प्यार। बिल्कुल जनाब, कोशिश हम करें कि
आपको, जहाँ आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मसाइल का हल बताएं, वहाँ आपको मॉरली सपोर्ट करें, आपको मोटिवेटेड रखें, आपको ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारना सिखाएं, ज़िंदगी को खुशगवार बनाना सिखाएं। तो इसके रिटर्न में आपने मुझे, डॉक्टर अफशा को, पूरी टीम को दुआओं में याद रखना है। आपकी दुआओं की हम सबको ज़रूरत है, आप हमारी दुआओं का हिस्सा हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। वो तमाम लोग जो लाहौर में डॉक्टर अफशा से मिलना चाह रहे हैं, अवेलेबल होंगी पीसी लाहौर में 9 से लेकर 1 बजे तक। दुआ में याद रखिएगा अगले हफ्ते के लिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।